प्रेस विज्ञप्ति 29 सितंबर 2012। तपोभूमि ग्रेट वर्ल्ड महान विश्व। आज ईश्वरीय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण निर्विघ्न अखंडित एवं सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है, जो कि 22 अगस्त 2011 को शुरू हुआ था। ईश्वरीय प्रक्रिया तपस्या तथा अलौकिक विश्व शांति एवं समृद्धि यज्ञ के परिपेक्ष में तपस्यारत विनोद कुमार जोशी जी को सर्वशक्तिशाली नवारण मंत्रों का जप करना पड़ा। इस जप के पूर्ण होने के बाद विश्व सतर्क सफलतापूर्वक जारी हुआ, जो कि इंटरनेट पर देखने के लिए निम्न स्थानों http://youtube.be/9CTZFRDGU V G पर उपलब्ध है। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद अब वे ईश्वरीय प्रक्रिया से जुड़े अन्य ईश्वरीय कार्यों एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। ईश्वरीय यज्ञ का आधार अब पूर्णतया तैयार हो चुका है। इस दौरान उत्पन्न आवश्यक विशेष कार्यों को विशेष पूजा यज्ञ इत्यादि द्वारा पूर्ण किया जाएगा, जिसकी घोषणा उपयुक्त समय में की जाएगी। अब ईश्वरीय कार्यों की गति बढ़ जाएगी। 22 अगस्त 2011 से पूर्णतया ईश्वरीय कार्यों में तपस्यारत विनोद कुमार जोशी जी तल्लीन थे। ईश्वरीय शक्तियों की यह ताकत है कि उनकी ताकत से निर्विघ्न निर्विरोध 1 साल 1 महीना 7 दिन आज की तिथि तक लगातार जप साधना हुए हैं। आज सफलतापूर्वक नवारण मंत्रों का जप पूजन एवं ईश्वरीय साधना का महत्वपूर्ण चक्र एवं चरण पूरा हो गया है। आज दिनांक 29 सितंबर 2012 को अंतिम एवं 9वां सहस्त्रनाम पूजन हुआ। तपस्यारत विनोद कुमार जोशी ग्रेट वर्ल्ड महान विश्व www.mahaprabhu.wordpress.com www.greatworldfoundation.org www.visionbinod.com